हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू संध्या स्पेशलिटीज़। और मैं हूँ संध्या। तो ये वाला वीडियो हमारा ग्रोइंग प्लांट्स का जो चैप्टर था उसका पार्ट टू है। पार्ट वन हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या आई बटन में, आप लोग देख लीजिएगा। तो जो हमने पार्ट वन में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, प्लांट्स से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं पार्ट वन में। तो ये हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। और स्ट्रक्चर ऑफ सीड, ये भी हमने सीड कोट और सीड लीव्स जो उसके दो पार्ट्स होते हैं सीड के, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। और जर्मिनेशन की डेफिनेशन और जर्मिनेशन का पूरा प्रोसीजर, हाउ डू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, ये भी हमने कर लिया था पार्ट वन में। अब हम आएंगे, हमारा टॉपिक आएगा डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, ये हम पार्ट टू में कवर करेंगे। तो पार्ट वन में मैंने आपको इस चैप्टर के सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बताए थे, जिसमें से हम पार्ट वन में ये सारे कवर कर चुके हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स हमने कवर कर लिया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सीड कर लिया, जर्मिनेशन ऑफ सीड कर लिया। अब हमारा टॉपिक पार्ट टू में हम ये लेने वाले हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। प्ले ग्रुप से लेकर के मैं 7th, 8th, 9th, 10th तक के बच्चों के लिए वीडियोस बनाती हूँ, तो आपको ये बहुत हेल्प करेंगे मेरे वीडियोस। तो अब हमारा ये टॉपिक आता है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। तो सबसे पहले सीड्स का डिस्पर्सल, सीड्स मतलब बीज, डिस्पर्सल मतलब उनका इधर उधर बिखरना। डिस्पर्सल का मीनिंग क्या होता है पहले ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। डिस्पर्सल का मीनिंग होता है डिस्पर्स होना, मतलब जिस जगह पर वो हैं उस जगह से दूर दूर जगहों पर उनका बंट जाना, दूर फैल जाना, मतलब कि बीजों का, वो कहलाता है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। और इसी से बनती है इसकी डेफिनेशन, जो कि ये है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्सल। द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। यानी कि सीड्स की स्कैटरिंग, स्कैटर मतलब होता है फैल जाना, उनका बिखर जाना, सीड्स का, सीड्स मतलब बीज। अवे फ्रॉम द मदर प्लांट, मदर प्लांट से दूर। मदर प्लांट क्या होता है, वो प्लांट जिस प्लांट के वो बीज हैं, ठीक है, इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड। मतलब जिस प्लांट के बीज हैं उस प्लांट के बीज उस प्लांट से दूर जाकर के बिखर जाएं, उस प्रोसेस को कहते हैं हम डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। तो ये है आपकी डिस्पर्सल ऑफ सीड्स की डेफिनेशन, जो कि आपको लर्न होनी ही चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है, वी नो दैट प्लांट्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, प्लांट्स खुद से मूव नहीं कर सकते, तो नेचर हैज देयर फॉर अरेंज सम मेथड्स बाय विच द सीड्स ऑफ प्लांट्स गेट स्कैटर्ड टू लार्ज डिस्टेंसेस। तो नेचर ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है, अरेंजमेंट की है कि वो सीड्स जो हैं उस प्लांट के दूर 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 डिस्टेंसेस पर स्कैटर हो जाए, यानी कि फैल जाए, यानी कि बिखर जाए। तो ये आपकी डेफिनेशन आ गई, द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। सीड्स आर डिस्पर्स बाय विंड, वाटर, बर्ड्स एंड एनिमल्स। और किसके द्वारा वो डिस्पर्स किए जाते हैं, विंड के द्वारा यानी कि हवा के द्वारा, वाटर यानी कि पानी के द्वारा, बर्ड्स और एनिमल्स के द्वारा, पक्षियों और जानवरों के द्वारा। दीज आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। तो हमारे एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल क्या होते हैं, चार होते हैं ये, विंड, वाटर, बर्ड्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अभी इसमें हम आगे पढ़ेंगे इन सब का अलग से। तो इसमें हमारा है डिस्पर्सल बाय विंड, डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, डिस्पर्सल बाय वाटर और डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, एक और स्पेशल वाला डिस्पर्सल, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं डिस्पर्सल बाय विंड के ऊपर। जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके बहुत ही लाइट वेट के होते हैं, मतलब जिनका जिनके सीड्स बहुत ही हल्के होते हैं वजन में। सम प्लांट्स हैव वेरी लाइट सीड्स, दीज सीड्स ऑल्सो हैव विंग्स और हेयर। इन सीड्स के विंग्स भी होते हैं यानी कि पंख भी होते हैं, हेयर भी होते हैं, हेयर यानी कि बाल जैसे, रेशे जैसे होते हैं। व्हेन विंड ब्लोज, जब हवा बहती है, दे आर इजीली कैरिड अवे फ्रॉम द पैरेंट प्लांट। तो वो इतने हल्के होते हैं वजन में और उनके इतने पंख और फर जैसे होते हैं, आपके ये हेयर जैसे होते हैं, जिसकी वजह से वो विंड से बाहर ले जाती है, हवा उनको उड़ा के ले जाती है। कहाँ से, पेरेंट प्लांट, पेरेंट प्लांट मतलब वही प्लांट जिसके वो बीज हैं, यानी कि जैसे मदर प्लांट और पेरेंट प्लांट सेम चीज़ है जो हमने ऊपर पढ़ी थी। तो वो उसके बीजों को ले जाती है हवा उनको उड़ा करके। जैसे कि मदार, हिप्टेज एंड कॉटन सीड्स आर डिस्पर्स बाय विंड।
अब यहाँ पर ये जो लाइन है इसमें आपका बनेगा ऑब्जेक्टिव टाइप कि वो पूछ लेंगे कि नेम सम सीड्स, 3 सीड्स और 2 सीड्स और 1 सीड भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, विच आर डिस्पर्स बाय विंड, जो कि विंड के द्वारा डिस्पर्स किया जाता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने होंगे। ये साथ साथ में आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें इसीलिए बताती जाती हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें याद करने के लिए चाहिए। जैसे पिक्चर देख लेते हैं हमारी, ये कॉटन का सीड है जिसके ऑल अराउंड हेयर्स हैं, ये मदार का सीड है जिसमें हेयर का पूरा टफ्ट है, और ये हिप्टेज का सीड है जिसके पूरे विंग्स हैं, मतलब पंख हैं। ठीक है, तो ये सारे तीनों एग्जाम्पल्स हैं डिस्पर्सल बाय विंड के। फिर हम आ जाते हैं डिस्पर्सल बाय एनिमल्स पे। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ईट फ्रूट्स लाइक एप्पल, मैंगो, वाटरमेलन एंड थ्रो अवे देयर सीड्स। एनिमल्स भी और ह्यूमन बींग्स भी और बर्ड्स भी, पक्षी भी इसी में आ जाते हैं, सब एनिमल्स वाले में। तो वो क्या करते हैं, हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, एप्पल का एप्पल खाया, मैंगो खाया, वाटरमेलन या कोई भी फ्रूट खाया, उसके सीड्स को हम, बीजों को हम फेंक देते हैं। अब एक जगह से हमने एप्पल उठाया, दूसरी जगह जाके खाया और वहाँ पर जाकर फेंक दिया, या तीसरी जगह जाकर के उसको फेंक दिया, तो वो अपने मदर प्लांट से जो सीड है वो दूर आ गया। ठीक है, यानी कि उसका डिस्पर्सल हो गया, एनिमल्स के द्वारा भी और ह्यूमन बींग्स के द्वारा भी और बर्ड्स के द्वारा भी। दीज सीड्स ग्रो इंटू न्यू प्लांट्स, और ये सीड्स जो हैं वो नए प्लांट बन जाते हैं। सम ऑफ द सीड्स लाइक जैंथियम, टाइगर नेल एंड स्पीयर ग्रास हैव हुक्स और स्पाइन्स। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनके ऊपर हुक्स होते हैं, हुक जैसे कि ये है, और स्पाइन्स यानी कि कांटे जैसे कि ये हैं इसमें हैं, और उनके एग्जाम्पल्स हैं ये आपको लर्न रखने हैं, जैंथियम, टाइगर नेल और स्पीयर ग्रास। तो क्या होते हैं, ये हुक्स और स्पाइन्स अटैच हो जाते हैं एनिमल की बॉडी से, एनिमल की बॉडी पर चिपक जाते हैं, या फिर क्लोथ्स ऑफ ह्यूमन बींग, हमारे कपड़ों पर चिपक जाते हैं, और फिर हमारे द्वारा और एनिमल्स के द्वारा दूसरी जगह पर ले जाए जाते हैं। तो ये आपकी इसकी पिक्चर है, सीड्स डिस्पर्स बाय एनिमल्स, जैंथियम सीड। इसके ऊपर देखिए ये यहाँ पर हुक भी हैं, यहाँ पर स्टिफ हेयर भी हैं, ठीक है, स्पाइन्स जैसे कि। ये टाइगर नेल का है सीड और इसका एक हुक है, और ये स्पीयर ग्रास है, इसमें स्पाइन्स हैं। ठीक है, तो ये सारे एनिमल्स वगैरह के द्वारा इस तरह के। तो डिस्पर्सल बाय एनिमल्स में आपको ये तीनों का एग्जाम्पल देना है, तो ये नाम आप लर्न रखना। तो नॉलेज बॉक्स में भी ये क्या लिखा है देखते हैं, स्क्विरल्स ब्यूरी नट्स टू ईट ड्यूरिंग विंटर एंड दे ऑफन फॉरगेट दैट नट्स मे स्प्राउट इन टू प्लांट्स। स्क्विरल्स जो यानी कि गिलहरियाँ क्या करती हैं, वो नट्स को ब्यूरी कर देती हैं, मतलब मिट्टी में दबा देती हैं कि उनको विंटर्स में खाने के लिए दबा के रख देती हैं, और भूल जाती हैं, फिर वो वाले नट्स जो हैं वो न्यू प्लांट्स में ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, देन फिर हमारा टॉपिक आता है डिस्पर्सल बाय वाटर। अब वाटर से कैसे डिस्पर्सल होता है सीड्स का, ये हम पढ़ेंगे। द लोटस फ्रूट हैज़ अ स्पॉन्जी पार्ट एंड द कोकोनट हैज़ थिक फाइबर कोट विच मेक देम लाइट एंड एनेबल देम टू फ्लोट ऑन वाटर। लोटस का जो फ्रूट होता है, मतलब कि कमल का फूल, उसका जो फ्रूट होता है वो कमल ककड़ी होता है, आपने खाई होगी। उसका एक थोड़ा स्पॉन्जी सा पार्ट होता है उसके अंदर, कोकोनट में भी एक थिक फाइबर का कोट होता है, जो बाहरी उसका जो लेयर होती है वो फाइबर की होती है, देखी होगी, जिसकी वजह से वो उनका वेट लाइट हो जाता है और इसकी वजह से वो पानी पर फ्लोट करते हैं। लोटस आपको पता ही है पानी में उगता है, और कोकोनट भी पानी के पास ही उगता है, तो दोनों ही वाटर बाय डिस्पर्सल बाय वाटर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, सो व्हेन अ कोकोनट फॉल्स फ्रॉम अ ट्री इनटू वाटर, तो जब कोकोनट पानी में गिरता है ट्री में से, इट फ्लोट्स, और फ्लोट करता है मतलब तैर जाता है, एंड ट्रेवल्स विद द वाटर वेव्स ऑफ टू फार ऑफ प्लेसेस, तो दूर की जगहों पर वो चला जाता है पानी के साथ। ये हमारी पिक्चर्स हैं सीड्स डिस्पर्स बाय वाटर। ये देखिए कोकोनट का ये फ्रूट गिर गया पानी में और ये तैर करके दूर जगह चला जाएगा। फिर ये लोटस है, ये इसका आउटर कोट है, कमल ककड़ी में जैसे छेद छेद से होते हैं आपने देखा होगा, ये लोटस पानी में उगता है, ये जो होता है ये कमल ककड़ी होती है, जो इसका ये इसका फ्रूट होता है, इससे इसके भी सीड्स ऐसे ही फ्लोट हो जाते हैं। फिर हमारा चौथा टॉपिक आता है डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, जो हमने यहाँ पर लिखा था। सम फ्रूट्स बर्स्ट ओपन और एक्सप्लोड, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो बर्स्ट होकर के खुल जाते हैं और एक्सप्लोड हो जाते हैं, मतलब उनमें एक एक्सप्लोजन हो जाता है, ठीक है ना, एक्सप्लोजन, विस्फोट जैसा।
व्हेन दे बिकम ड्राई, जब वो ड्राई हो जाते हैं तब उनके अंदर एक्सप्लोजन होता है. द फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन हेल्प्स द सीड टू स्कैटर अवे, और जो एक्सप्लोजन की, विस्फोट की जो फोर्स होती है, ताकत होती है, वो सीड्स को स्कैटर कर देती है दूर, मतलब फैला देती है, बिखेर देती है दूर दूर डायरेक्शंस में. दिस इज़ कॉल्ड डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, और इसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन. ठीक है. पॉपी, पी पॉड एंड बाल्सम सीड्स के डिस्पर्स बाय एक्सप्लोजन, और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन के, पॉपी, पी पॉड एंड बाल्सम. देखिए पी का पी है ये मटर, यानी कि जिसको कहते हैं पी पॉड बर्स्ट ओपन, ये पी पॉड है, ये बर्स्ट हो गया और खुल गया, सारे मटर के दाने सारे बिखर गए, तो वो नए प्लांट्स बना देंगे. इसी तरह बालसम, ये बालसम का फ्रूट एक्सप्लोड हो गया एकदम से, देखो खुल गया, पूरे सारे बीज इसके बिखर गए. तो ये हैं सीड्स डिस्पर्स बाय एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स. ठीक है, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन के एग्जाम्पल्स. अब हम ले लेते हैं इसके MCQs, मतलब कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस. तो टिक करेक्ट, टिक राइट फॉर द करेक्ट आंसर. अ बेबी प्लांट इज कॉल्ड सीडलिंग, वो हमने पीछे पढ़ा था पार्ट वन में. ठीक है, तो इसका आंसर होगा सीडलिंग. ठीक है, ये वाला. विच ऑफ द फॉलोइंग सीड इज डिस्पर्स बाय एयर, एयर से कौन सा सीड डिस्पर्स होता है, तो वो होगा हमारा कॉटन. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ डिस्पर्सल, कि कौन सा इनमें से एजेंट ऑफ डिस्पर्सल नहीं है, तो इसके ऑप्शन है वाटर, विंड और सॉइल. तो सॉइल नहीं है क्योंकि विंड और वाटर तो एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल होते ही हैं, अभी अभी पढ़ा हमने. तो ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्पर्सल ऑफ सीड्स का टॉपिक कवर. तो ये वाला सेकंड पार्ट में यहीं पर ख़त्म करती हूँ. पार्ट 3 में हम ये वाला टॉपिक लेंगे, ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट, स्टेम एंड लीव्स, मतलब कि दूसरे उससे कैसे लेते हैं, ये हम पार्ट 3 में कवर करेंगे. पार्ट 2 में आई यहीं पर एंड कर रही हूँ. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. डिस्पर्सल ऑफ सीड्स का टॉपिक हमारा इस वीडियो में कवर हो गया. थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून.